हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ मैं आज बनाने वाली हूँ क्विक टोमेटो रसम, जिसके लिए टमाटर को मैंने यहाँ चॉप कर लिया है। कुकर में टमाटर ऐड किए हैं, थोड़ी सी हरी मिर्ची, जितना तीखा आप पसंद करते हो उस हिसाब से ऐड कीजिए, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा पानी ऐड करके 3 से 4 व्हिसल इसे लगा लीजिए हाई फ्लेम पर, ताकि टमाटर अच्छे से मैश हो जाने चाहिए। जब तक टमाटर अच्छे से गल रहे हैं, पक रहे हैं, तब तक थोड़ी सी टैमरिन लेके पानी में सोक कर लेना है। टैमरिन सोक होने के लिए मैक्स 15 मिनट्स लग जाते हैं, तो आप इस बॉइलिंग प्रोसेस से पहले ही आप कर सकते हो। तो सोक करके मैंने अच्छे से निचोड़ के देखिए पूरा टैमरिन का वाटर निकाल लिया है, और उसके जो पल्प है मैंने उसे फेंक दिया है, उसमें जो सीड्स आते हैं ना छिलके, उन सबको फेंक दिया है। तो अब थोड़ा सा उसे बॉईल कर लेंगे किसी बोल में लेकर अच्छे से। देखिए मैंने यहाँ अच्छे से बॉईल कर लिया है। इसे मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट तक अच्छे से बॉईल कीजिए। थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, अगर आपके पास रसम पाउडर है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ी सी कूटी हुई काली मिर्च का पाउडर भी मैंने ऐड किया है। अब इन तीनों को डाल के अच्छे से उसे बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने के बाद जब वो हाफ रह जाएगा, तब गैस के फ्लेम को बंद कर देना है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डियर, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। तो यहाँ देखिए इमली का पानी अच्छे से बॉईल हो गया है, हाफ हो गई है तो मैंने बंद कर दिया है। टमाटर कुकर में अच्छे से गल चुके हैं, तो मैंने उसे मैशर की हेल्प से अच्छे से मैश कर लिया है, देख सकते हैं। अब तड़का लगा लेते हैं। यहाँ मैंने तड़के के लिए लिया है थोड़ी सी जीरा, थोड़ी सी राई जिसे सरसों भी कहते हैं, लाल मिर्च सूखी वाली, थोड़े से लहसुन कूट लिए हैं, और थोड़े से प्याज लिए हैं। थोड़ा सा तेल ऐड करके उसमें हम सारी चीज़ें डाल देंगे, प्याज, लहसुन, लाल मिर्च, सरसों, जीरा, और इसे अच्छे से भून लेंगे। लो फ्लेम पे इसे भूनना है, इसे जलाना बिल्कुल भी नहीं है। अब टैमरिन रसम को टमाटर रसम के साथ मिक्स कर देना है, और सॉल्ट चेक कर लेना है। सॉल्ट कम लगे तो आप सॉल्ट थोड़ा चेक उसमें ऐड कर सकते हो। अब तड़का लग गया है, तो तड़के में हम टमाटर रसम को ऐड कर लेंगे और थोड़ी देर बॉईल करेंगे। आप चाहें तो यहाँ थोड़ी सी शक्कर ऐड कर सकते हो। तो 5 मिनट उसे हाई फ्लेम पर बॉईल करने के बाद फ्लेम को बंद कर दीजिए। हरी धनिया के साथ सर्व कीजिए, बहुत सुपर्ब लगती है, एक बार ज़रूर बना के देखिए।